ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट सिंपली रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट को जो आफ्टर 28 डेज बाद मीजर की जाती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, M5, M7.5, M10 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। M क्या है इसमें, M मीन्स होता है मिक्स, 5 मीन्स होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आफ्टर 28 डेज। अब इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉर्मल कैटेगरी, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। M5 से M20 तक नॉर्मल ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट होती है, M25 से M45 तक आपका स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट होती है, M50 से M70 तक हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट ग्रेड होता है। अब इसका रेशियो क्या होता है, M5 का होता है 1:5:10, M7.5 का होता है 1:4:8, M15 का होता है 1:2:4 और M20 का होता है 1:1:3, M25 का 1:1:2, M30 और इससे ऊपर का ग्रेड जो है डिजाइन मिक्स के अकॉर्डिंग होता है।